हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की वीडियो में बात करने वाले आईपीएल 2022 के फोर्थ मैच के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। तो मैच का प्रीव्यू करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, तो जरूर से वीडियो पूरा एंड तक देखिए। और उससे पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में आपको विराट क्रिकेट टिप्स का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। इन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज करने पर ही आपको हर मैच में विनर टीम देंगे, साथ में सेशन देंगे और टॉस भी देंगे। इनकी विनर टीम बिल्कुल सही होती है, इनके लगभग सारे मैच ही सही होते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया एक्यूरेसी के साथ ये काम करते हैं, बिल्कुल गारंटीड इनका काम होता है। इनके साथ आपको एक दिन फायदा ही होगा, पहला मैच आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो जाइए जल्दी से मैसेज कीजिए, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो भाई शुरुआत करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ। दोनों ही नई टीमें हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स का ऑक्शन बहुत ज़बरदस्त रहा था। हालांकि इनके शुरुआत के तीन मैचेस में कई सारे बड़े खिलाड़ी मिसिंग होने वाले हैं, जैसे मार्कस स्टोइनिस, जेसन होल्डर, काइल मेयर्स, ये तीनों ही शुरुआत के कुछ मैचेस का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा मार्क वुड टूर्नामेंट से पहले इंजर्ड हो गए थे, तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर एंड्रयू टाई को जरूर टीम ने सेलेक्ट किया है, पर मार्क वुड को भी ये टीम मिस करेगी। मार्क वुड के बिना इनका बॉलिंग अटैक थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। और बाकी भी मार्कस स्टोइनिस, जेसन होल्डर और काइल मेयर्स के एब्सेंस में टीम के शुरुआत के कुछ मैचेस में परफॉर्मेंस हमें उतना बेहतरीन नहीं देखने को मिलेगा, इसका चांस काफी ज्यादा हाई है। टीम वैसे तो ऑन पेपर बहुत जबरदस्त थी, पर इन तीन बड़े खिलाड़ियों के मिसिंग होने से मुझे लग रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स शुरुआत के तीन चार मैचेस में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो खैर, अब जो खिलाड़ी अवेलेबल है उनमें इनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की बात की जाए तो केएल राहुल के साथ क्विंटन डीकॉक ओपन करेंगे, फिर मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, एवन लुइस को इन्हें खिलाना पड़ेगा। जितने खिलाड़ी अवेलेबल है उस हिसाब से एवन लुइस को ये मिडिल ऑर्डर में ही खिला सकते हैं। फिर उसके बाद इनके पास कृणाल पांड्या है, दुष्मंता चमीरा है, कृष्णप्पा गौतम है, रवि बिश्नोई है, एंड्रयू टा है और आवेश खान है। तो आप देख सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम काफी डिप्लीटेड नजर आ रही है, और ऐसे में इनके अपोनेंट्स गुजरात टाइटंस पहले मैच में इस चीज़ का फायदा उठाना चाहेंगे। गुजरात टाइटंस के लिए भी ये नया सीजन है, पहली बार ये आईपीएल में उतर रहे हैं। इनकी टीम के रिलेटेड अपडेट की बात की जाए तो ऑक्शन इनका मेरे ख्याल से उतना बढ़िया नहीं रहा, तो ऑक्शन में ये और बेहतर कर सकते थे। हालांकि अवेलेबिलिटी इशूज इन्हें ज्यादा नहीं है, जो सबसे बड़ा इशू था वो ये कि जेसन रॉय ने आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया था, उनकी जगह पर रहमानुल्लाह गुरबाज को जरूर सिलेक्ट किया गया है, पर गुरबाज जेसन रॉय नहीं है और जेसन रॉय की कमी टीम को खलेगी, पर बाकी इन्हें अवेलेबिलिटी का ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आप ऑक्शन के सीधा बाद गुजरात टाइटंस की टीम को ऑन पेपर बाकी टीमों से कंपेयर करते हैं तो गुजरात टाइटंस की टीम आपको काफ़ी कमजोर नजर आती, पर क्योंकि अभी ज़्यादातर टीमें खिलाड़ियों की शुरुआत के कुछ मैचेस में अनअवेलेबिलिटी से जूझ रही है, तो ऐसे में गुजरात टाइटंस के साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं है। जेसन रॉय की जरूर इन्हें कमी खलेगी, पर उनके अलावा बाकी सभी खिलाड़ी अवेलेबल है, तो उस हिसाब से गुजरात टाइटंस शुरुआत से ही एक अपनी पूरे स्क्वाड के साथ होंगे, शुरुआत से ही एक जो है स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 उतार पाएंगे, तो ये इनके लिए एक एडवांटेज हो सकता है। तो इनकी एक्सपेक्टेड टीम की बात की जाए तो शुभमन गिल के साथ इन्हें मैथ्यू वेड को ओपन कराना पड़ेगा, फिर विजय शंकर, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, हार्दिक पांड्या कप्तान, उसके बाद राहुल तेवतिया, आरसाई किशोर, राशिद खान, मोहम्मद शमी और लॉकी फर्ग्यूसन। तो आप देखिए तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही इनके पास अच्छे खिलाड़ी है, और क्योंकि बाकी टीमों के पूरे स्क्वाड अवेलेबल नहीं है तो शुरुआत के मैच जीत कर एक टूर्नामेंट की अच्छी स्टार्ट करना चाहेंगे और बाकी टीमों के ऊपर एक एडवांटेज पाना चाहेंगे। मेरी इस मैच की फैंटेसी टीम या ड्रीम इलेवन टीम की बात की जाए तो कैप्टन मैं केएल राहुल को बना रहा हूँ, वाइस कैप्टन मैंने मैथ्यू वेड को बनाया है। आप चाहे तो हार्दिक पांड्या या फिर शुभमन गिल भी कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। ये मैच खेलने वाले वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, ग्राउंड छोटा है, पिच जनरली बैटिंग के लिए अच्छी होती है, फ्लैट सरफेस होता है, पर पहले मैच में हमें देखने को मिला था कि पिच के ऊपर घास थी, जो कि केरल और चेन्नई का मैच हुआ था, लो स्कोर मुकाबला रहा था, तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मूवमेंट देखने को मिला था और ओवरऑल उतने ज्यादा यहाँ पर नहीं बने थे। हालांकि इस मैच में मैं लो स्कोर मैच एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर जितनी वानखेड़े से आप उम्मीद करते हैं कि 180-200 के आसपास के मुकाबले होंगे, उतना मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं बनेंगे, 160-170 के आसपास का मुकाबला मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ओवरऑल अभी भी मैं एक बैटिंग फ्रेंडली सर्फेस ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहले मैच में हमें देखने को मिला था कि ड्यू आई थी, तो ड्यू आई है तो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा और टारगेट चेस करने वाली टीम के जीतने के ज़्यादा चांसेस होंगे। मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए तो लखनऊ की टीम का अगर पूरा स्क्वाड अवेलेबल होता तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थे, पर अभी मुझे गुजरात टाइटंस की टीम ज़्यादा बेहतर लग रही है। मेरा मैच प्रेडिक्शन का गुजरात टाइटंस, मुझे गुजरात टाइटंस से मुकाबला जीतेंगे, पर आप जरूर से विराट क्रिएटिव्स को कॉन्टैक्ट कीजिए, उनके पास आपको सबसे बढ़िया रिपोर्ट मिलेगी। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।